भारत को मिला लिथियम का वरदान, क्या पलट जाएगी भारतीयों की किस्मत? जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का भंडार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हरियाणा टीवी और मैं हूं संजीव कुमार। जी हां, भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जम्मू कश्मीर से आई है, जहां लिथियम का भंडार मिला है जिसकी कैपेसिटी 59 लाख टन बताई जा रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के जिले रियासी में इसकी पहचान की है। यह खबर भारत के लिए कितनी अच्छी है इसका हिसाब आप इस बात से लगा लीजिए कि अभी तक भारत में जो भी लिथियम प्रयोग में लाया जाता है वो 100% विदेश से ही आयात किया जाता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ रही दुनिया के बीच लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। अब बात आती है कि आखिरकार लिथियम इतना जरूरी क्यों है और क्यों इसे सोने से भी ज्यादा महंगा बताया जा रहा है। देखिए, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, नॉर्मल प्रोडक्ट या अन्य कोई भी बैटरी से चलने वाला प्रोडक्ट, इन सब में लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है। इतना ही नहीं, नियर फ्यूचर में लिथियम आयन एनर्जी का बड़ा सोर्स बनने वाला है, क्योंकि दुनिया भर के देश पेट्रो प्रोडक्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। इन सब में लिथियम की अहम और बड़ी भूमिका है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का यूज रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बड़ी बात यह है कि जिस लिथियम को कभी कोई पूछता नहीं था, आज वो लिथियम सोने से भी महंगा बन गया है। सवाल यह भी है कि आखिरकार इस भंडार के मिलने से भारत में क्या बदलाव आएगा और इसे क्यों भारत के लिए वरदान कहा जा रहा है। इसे समझने के लिए आपको मौजूदा वक्त में दुनिया में क्या चल रहा है उसे समझना जरूरी है। इस वक्त दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रही है। दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन कम करने की बातें हो रही हैं। सरकारें अपने अपने देशों में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने में लगी हुई हैं। अब आप पूछेंगे कि लिथियम इसमें क्या कर सकता है, तो आपको बता दें कि जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो वो लिथियम आयन बैटरी के बिना पूरी नहीं होती। मौजूदा वक्त में क्योंकि भारत 100% लिथियम विदेश से आयात करता है, ऐसे में अब भारत दूसरे देशों पर लिथियम के लिए निर्भर नहीं रहेगा। आपको यह भी बता दें कि लिथियम आयात में भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे और साल 2021-22 में 13,838 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। भारत सबसे ज्यादा लिथियम चीन और हांगकांग से आयात करता है, लेकिन अब भारत लिथियम भंडार वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर चिली, जिसके पास 93 लाख टन का भंडार है, पहले नंबर पर है। दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसके पास 63 लाख टन का भंडार है। अर्जेंटीना, जो पहले तीसरे नंबर पर था, अब 27 लाख टन के साथ चौथे नंबर पर है। वहीं चीन 20 लाख टन के साथ पांचवें और अमेरिका 10 लाख टन के साथ अब छठे नंबर पर आ गया है। लिथियम का भंडार मिलने के बाद अब सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या भारत में अब बैटरीज आसानी से बनना शुरू हो जाएंगी, इसका जवाब भी सुन लीजिए। इस सवाल के जवाब में ये बताया जा रहा है कि लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करना आसान नहीं होगा, क्योंकि लिथियम का उत्पादन और रिफाइनिंग एक बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए आधुनिक तकनीक की जरूरत होगी, लेकिन बात यह भी है कि जब वरदान के रूप में इतना बड़ा भंडार मिला है तो उसका सही उपयोग करने के लिए मशीनरी भी सरकार जरूर लगाएगी और इसका फायदा भी उठाएगी। बहरहाल, लिथियम का भंडार मिलने के बाद इसे भारत की आर्थिकी के तौर पर भी अच्छा समझा जा रहा है और इससे माना जा रहा है कि भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा। खास तौर पर लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो इस क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, ये कहा जा सकता है। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।